खबर रीवा से है जहां महिला अपराधों की बारसी आ गई है। आए दिन दुष्कर्म दहेज प्रताड़ना के मामले दर्ज हो रहे हैं, इसके बावजूद आरोपियों को कानून का खौफ नहीं है। ताजा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है जहां 14 वर्षीय किशोरी को युवक ने हवस का शिकार बनाया है। इतना ही नहीं, किशोरी के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी थी। पीड़िता आरोपी के चंगुल से छूटकर घर पहुंची और घटना की जानकारी परिजनों को दी, जिसके बाद परिजन पीड़िता को लेकर थाना पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। बताया जाता है कि आरोपी ऋषि जायसवाल कोतवाली थाना क्षेत्र के रानी तालाब का रहने वाला है, जबकि युवती दूसरे गांव की है, जिसे आरोपी कोतवाली थाना क्षेत्र के घोघर मोहल्ले में लाकर वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म SC ST एक्ट के साथ पॉक्सो की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद से आरोपी फरार है, जिसकी तलाश के लिए पुलिस दबिश दे रही है। यह भी बताया जाता है कि आरोपी ठेकेदार है और पीड़िता श्रमिक है, जिन्हें ठेकेदार ऋषि जायसवाल छोटी दरगाह से घोघर मोहल्ले में काम करने के लिए बुलाया था। एक दर्जन श्रमिक कार्य कर रहे थे, इसी दौरान किशोरी को आरोपी ठेकेदार दूसरे कमरे में ले जाकर वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में चार चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया